रेजिस्टेंट डिप्रेशन के बारे में मैं आपसे आज बात करने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ ऑनलाइन अब भी हम कंसल्टेशन करते हैं, लोगों को एडमिट करके इलाज करते रहते हैं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो डिप्रेशन की कि जो रेजिस्टेंट है ट्रीटमेंट को, मतलब ट्रीटमेंट को वो रिस्पॉन्स नहीं देते। अब जब डिप्रेशन ठीक नहीं हो रहा है और डिप्रेशन तो है, दवाई खा रहा है, अलग अलग दवाइयाँ खा रहा है मगर ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर ऐसे पेशेंट मेरे पास में लाए जाते हैं। जब मैं देखता हूँ कि इनका डायग्नोसिस सही है क्या, डिप्रेशन है कि और उसके साथ साथ और कोई डायग्नोसिस है, क्योंकि डिप्रेशन के साथ साथ और कोई शारीरिक बीमारी यदि उसको है तो उसकी वो भी ट्रीटमेंट, मतलब उसका वो भी ट्रीटमेंट करना जरूरी होता है। कभी कभी एक एंटी डिप्रेशन के साथ में दो या तीन एंटी डिप्रेशन साथ में लगा सकते हैं अपन, और हम लगाते भी हैं, मतलब दो या तीन एंटी डिप्रेशन एक साथ उसको देते हैं, क्योंकि 6-8 हफ्ते होने के बाद में भी यदि कोई उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है तो हमको और एंटी डिप्रेशन देने की ज़रूरत पड़ती है और देना भी चाहिए। फिर उसके साथ साथ लिथियम का ट्रीटमेंट है, मतलब लिथियम देते हैं। कुछ लोगों को थायराइड नॉर्मल होने के बाद में थायराइड का डोज देते हैं, कुछ लोगों को सोडियम वेलप्रोरेट देते रहते हैं। तो ऐसे अलग अलग दवाइयाँ उसके साथ में यदि हम देते हैं तो फिर एंटी डिप्रेशन दवाई काम करती है। यदि सब दवाइयाँ देने के बाद 1.5-2 महीना हो गया पूरा, और 2 महीने के बाद में एडिक्वेट ट्रीटमेंट देने के बाद में भी डिप्रेशन उसका ठीक नहीं हो रहा है, तो हम इलेक्ट्रोकन्वल्सिव ट्रीटमेंट हम उसकी सोच सकते हैं और वो दे सकते हैं। क्योंकि यदि एंटी डिप्रेशन से ठीक नहीं हो रहा है और हमारा डायग्नोसिस क्लियर है कि उसको डिप्रेशन है, तो ECT मतलब शॉक ट्रीटमेंट देना भी जरूरी होता है। तो कोई भी डिप्रेशन का पेशेंट यदि ठीक नहीं हो रहा है तो वो भी एक देखना पड़ेगा कि वो दवाई ले रहा है कि नहीं ले रहा, क्योंकि उसको वो ठीक नहीं होना चाहता, वो बोलता है कि नहीं मेरे को मरने का है। ऐसी स्थिति में उसको रिलेटिव्स ने कितनी भी दवा दे दिया और उसने मुंह में रख दिया और बाद में थूक दिया, लिया नहीं क्योंकि उसको मरने का है, तो फिर कैसा अच्छा होगा। तो वो भी देखना जरूरी है कि वो दवाई खा रहा कि नहीं खा रहा है, एडिक्वेट डोज में है क्या, रेगुलर ले रहा है क्या। तो वो लिया तो पेशेंट ठीक हो सकता है। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम यदि रहा, आपका पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, तो तुरंत आपके साइकेट्रिस्ट को आप कंसल्ट कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ताकि मेरे वीडियो आपको बार बार आते रहेंगे। यदि आप क्लिक करते बेल आइकॉन के ऊपर तो मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।